चलिए तो शुरू करते हैं आज एक नई अपडेट। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन की एटेसिक्स के टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और उसका पीडीएफ हम आप तक लिंक के जरिए भेज सकें और टेलीग्राम पे वो सारी डिटेल आपको पहुंचा दी जाती है। तो आज का जो अपडेट है दोस्तों, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक भर्ती को लेकर है। क्योंकि मैं इसको भर्ती नहीं, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत एज ए ट्रेनी बैंकिंग सेक्टर में आपकी ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको रिक्रूट किया जा रहा है, आपके एग्जाम लिए जा रहे हैं और इसमें एग्जाम भी है, एक सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा आपको, तब आप पास होंगे तब आपको ये जो है यहाँ से इस सीट को अलॉट किया जाएगा। और अप्रेंटिस सीट में आपको पता है कि एक परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये एक ट्रेनी बेस्ड जॉब होता है जो कि एक साल के लिए आपको अपडेट किया जाता है। तो हमें क्या फायदा होगा कि हम लोग इस अप्रेंटिसशिप को करने का, तो देखिए जो छात्र बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलता है और उन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ये अप्रेंटिसशिप उनको यहाँ पे प्लस पॉइंट रहेगा, यानी कि उनको फायदा मिल जाएगा, उनके बैंकिंग के इंटरव्यू वगैरह में उनका फायदा हो जाएगा। तो चलिए सारी डिटेल देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस और स्टाइपेंड के बारे में भी बताएंगे क्या है अपडेट यहाँ से। 15 मार्च लास्ट डेट है आवेदन करने का, तो प्लीज़ 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 आवेदन जरूर कर लीजिएगा जो भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर जो भी छात्र बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए अपडेट है यहाँ पे कि आपके देखिए प्राइसेस अपग्रेड होने वाले हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं यहाँ से अपग्रेड होने से पहले ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको एक फायदा मिल रहा है कि एक साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो 6 महीने का जो एक्सटेंशन सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको, ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखिए एक रेफरल कोड हमारा है जितेंद्र10, उसका यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट और हमारी तरफ से आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए अब लेकर चलते हैं दोस्तों इन सब की अपडेट पे, हम सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के अपडेट पे जहां पे इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। देखिए ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहां से जाके आप सीधे अप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसका होम पेज भी देख सकते हैं। हम करियर वाले सेक्शन पे हैं जहां पे इस नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट दिया गया है। ये करियर वाला सेक्शन जो है जहां पे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप यानी कि जो नोटिफिकेशन है आपका ये अपग्रेड किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अप्लाई कहां से करना है, तो यहां से आपको अप्लाई करना है अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट के लिए, तो यहां पे क्लिक करके आप अप्लाई कर लेंगे। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस और ओल्ड रिक्रूटमेंट के जानने के बारे में यहां से आप क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं, पुरानी वैकेंसीज का अपडेट भी ले सकते हैं। देखिए अब मैं जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखला देना चाहता हूं यहां पे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आवेदन करें। देखिए ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत है, 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आवेदन करने का लिंक दिया गया है इसका, जो कि आप आवेदन करेंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई एंगेजमेंट इन यूपी स्टेट ओनली, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पोस्टिंग या लोकेशन, जॉब लोकेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग लोकेशन होगी उत्तर प्रदेश में होगी। तो आप, मैं सभी उन छात्रों को बोलना चाहूँगा जो कि उत्तर प्रदेश से हैं वो तो आवेदन करें हैं, अगर अदर स्टेट वाले हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। कैंडिडेट कैन अपियर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली वंस अंडर द एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि आप एक ही बार इसका एग्जाम दे सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से तैयारी है तो ही आप इसके लिए फॉर्म भरिएगा भाई, नहीं तो दोबारा आपको इस बैंक में तो अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने का मौका शायद ना मिल पाए, ठीक है। तो ये एक बार ही बोला जा रहा है और 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आपको ये सारा जो डिटेल है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से दिया जाएगा। ओके, तो ये जो है आप लोग के लिए लिंक दिया गया है यहाँ से। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ का आना चाहिए, पहली चीज आपको हिंदी, उर्दू और संस्कृत में ज्ञान होना चाहिए। ये लोकल लैंग्वेज क्यों मतलब जरूरी होता है, इसमें आपको बोलने, लिखने और चीज़ों को समझने आना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे 3 लैंग्वेज है जो कि हिंदी, उर्दू, जो कि 2 ही भाषा है उत्तर प्रदेश की, एक प्राथमिक भाषा हिंदी है और उर्दू जो है द्वितीय भाषा है, तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। संस्कृत में आपको समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें क्या लिखी गई हैं, ये सिर्फ यहाँ बोला गया है, लेकिन कोई एक आए तो भी चलेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल सीट दी गई है, टोटल 250 सीट है यहाँ पे, और कैंडिडेट टू ऑप्ट वन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज इन द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप फॉर्म भरेंगे तो किसी एक लैंग्वेज को जरूर लिख दीजिएगा, आप हिंदी लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट भी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जिनको कि उर्दू नहीं आती, नहीं पढ़े होते हैं,
तो वो आप हिंदी में लिख के एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट आपका हिंदी 10th में रहा होगा, 12th में भी अगर आपने दिया होगा तो आपके पास होगा ही। ठीक है, देखिए मैं मेन फोकस पे चलता हूँ यहाँ पे इसके, और ये जो है आपका 250 पद के लिए जो आपका रीजन होगा जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग सीट्स हैं ये, वो है क्षेत्र बलिया, बलिया टू बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, ये सारे वो शहर हैं जहाँ पे ये आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, मतलब आपका जो जॉब ट्रेनिंग लोकेशन है ये आपको यहाँ से हो सकता है। दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे इसके एज क्राइटेरिया को लेकर, तो यहाँ पे बोला गया है कि 18 से लेकर 28 साल तक के छात्र जिनका एज क्राइटेरिया 1/3/2022 से काउंटेबल होगा, और ये 2/3/94 से लेकर 1/3/2004 तक के बीच में इनका DOB होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर 28 साल तक का आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है। जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST OBC PWD कैटेगरी में आते हैं उनको एज पर द गवर्नमेंट रूल, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी रूल है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप लोग भी अप्लाई जरूर करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे जो PH कोटे से छात्र हैं उनको भी 40% का डिसेबिलिटी एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी आवेदन जरूर कर लीजिएगा जो कैंडिडेट PH कोटे से आते हैं। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 1/3/2022 को कंप्लीट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसमें, तो एनी डिसिप्लिन इन ग्रेजुएशन, किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। ओके, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होगा आपका 12 महीने का होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी कोर्स के लिए आप कहेंगे अगर हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की तो 12 महीने का ही कोर्स होता है। ठीक है, स्टाइपन जो है आपका यहाँ पे दोस्तों दिया जाएगा 9000 पर मंथ। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गुजरात से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप उठ के इस फॉर्म को भर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप इतनी घर से दूर आके किसी फॉर्म को भरते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, इस 9000 में आपका खर्चा भी नहीं चल पाएगा और आपका एक खर्च हो जाएगा ऊपर घर से लग जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आपके पैसे बच सके। हाँ, इसके लिए बिहार के छात्र आवेदन कर सकते हैं जो कि पास में ही एक राज्य है, जो भी पास के क्षेत्र हैं आप देख सकते हैं जो सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे आपको रहना खाना आसान पड़ सके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिहार, UP और उत्तराखंड के छात्र जो हैं या दिल्ली के छात्र जो हैं इसके लिए आप आवेदन कर लीजिएगा। ओके, अब मैंने बोला यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में कि आपकी एक जो है एग्ज़ाम होगी, एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, तब जाके आपको यहाँ पे भाई एडमिशन मिलेगा। तो आपका जो टेस्ट होगा वो GK यानी कि जनरल अवेयरनेस का होगा, एक आपका जनरल हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसका होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स का और रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का टेस्ट होगा, जिसमें कि 25-25 क्वेश्चन होंगे यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, और ये जो टोटल मार्क्स होंगे आपको 25-25 नंबर का यानी कि पर क्वेश्चन जो होगा आपका एक एक नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग भी होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि पूरा पूरा जो है बैंकिंग सेक्टर का ही एग्जाम है ये, और हर एक जो डिसिप्लिन है मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है इसके लिए आपको 15-15 मिनट का ही टेस्ट ये लिया जाएगा, तो एक घंटे में ये पूरा एग्जाम खत्म भी हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो आपको फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है, जिसमें कि आपको ये पेपर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक जो सेकंड है आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश का, ये आपको उस पेपर में आपका क्वेश्चन सीरीज बन के आएगा जब आप एग्जाम देने बैठेंगे। तो ये तो हो गया भाई यहाँ पे देखिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर आपका प्रयागराज, बरेली, अयोध्या और फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में आपके सेंटर हो सकते हैं। तो जो भी छात्र इधर आवेदन करेगा आवेदन जरूर करेगा, ये सेंटर देख लीजिएगा, आपके पास से अगर है तो आप बिल्कुल आवेदन कीजिए और इसके लिए अप्लाई कीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज आपका जरूर लिया जाएगा इस एग्जाम को, अगर आप लोग क्लियर करते हैं तो, क्योंकि हिंदी या उर्दू आप डालेंगे तो उसमें आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, हो सकता है कि ये आपका ओरल टेस्ट लिया जाए। दोस्तों, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस द 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग द स्टडी एंड द स्पेसिफाइड ऑप्ट बाय द लोकल लैंग्वेज, आपको अपना जो है 10th या 12th का मार्कशीट जो है आपको एविडेंस के रूप में बताना होगा कि आपने हिंदी या उर्दू या संस्कृत को लैंग्वेज के रूप में पढ़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस लैंग्वेज टेस्ट के लिए, तो ही आप इधर आवेदन करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशंस की अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो आप फिटनेस आपका होना चाहिए, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, है ना, इसके लिए आपको जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बैंकिंग सेक्टर का वो आपको मेडिकल फिटनेस के लिए आपका टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका दोस्तों, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको यहाँ से दिया गया है, क्वालिफाइंग इन द टेस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑप्ट
लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल एज अ डिटेल अबव, जो भी आपको ऊपर दिए गए बताया गया हमारे जरिए और इस वीडियो इस नोटिफिकेशन के जरिए उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आप टेस्ट में अपेयर हो पाएंगे। फिटनेस भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे उसको लेकर। वेट लिस्ट की बात की गई है यहाँ पे, बिल्कुल वेट लिस्ट यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो है दी जाएगी, विल बी मेंशन फॉर द वन ईयर, आपको एक साल का वेट लिस्ट भी दिया जा सकता है अगर आप लोग बहुत सारे छात्र अगर यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, ऐसा होता है अप्रेंटिसशिप की जॉब में। ठीक है, तो आपको बता दें कि जॉब प्रोफाइल जो होगा अप्रेंटिसशिप का होगा, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है बैंकिंग में, मैं आपको यहाँ भी लिख दिया गया है और शुरू से ही आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली। तो देखिए फॉर्म को भरने का ना फीस लग रहा है आपसे, तो जनरल कैटेगरी के छात्र 450 और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के छात्र के लिए 100 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, प्लस में जीएसटी भी लगेगा आप लोगों का, यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर आवेदन करने चाहते हैं तो आवेदन कीजिएगा, ऑनलाइन प्रोसेस से इसका फॉर्म भी भरा जाएगा, ये सारे डिटेल यहाँ पे दिया गया है लिखकर। हाउ टू अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको इस पेज पे लेकर आएंगे लोग, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इंगेजमेंट फॉर द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, तो ये इस तरह का पेज खुलेगा, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर वाला ही पूरा फॉर्मेट है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जस्ट लाइक बैंकिंग में जैसा कि आप आवेदन करते हैं। क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा और आपके लिए एक पेज खुलकर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है, तो आप यहाँ से देखिए ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम अपना डालना है, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, नहीं है तो लास्ट नेम जरूर डालिएगा और कंफर्म लास्ट नेम डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका ये नाम लिखकर आ जाएगा फुल, और आप अपना एक मोबाइल नंबर और उसको डाल के कन्फर्म कीजिएगा, और उसके अलावा एक ईमेल आईडी भी आपका होना चाहिए, और इस डोमेन में आपका नाम जैसे कि जीमेल में है याहू में है उस डोमेन का नाम बताना है, और यहाँ पे वो लिख कर आ जाएगा जो कि आपने इसमें डाला है, या फिर आपको ये डाल के यहाँ पे कंफर्म करना होगा, है ना, जो जो ईमेल आईडी आपने डाला है, और देन इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के और आपने क्या करना है यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप चले आइएगा अप्लीकेशन वाले फॉर्म पे, जहाँ से आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। अप्लीकेशन फॉर्म में अपना डिटेल, एड्रेस वगैरह, एजुकेशनल डिटेल और फोटो सिग्नेचर और आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, और फोटो सिग्नेचर का साइज देख लीजिएगा जो बैंकिंग सेक्टर में लगते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का दूसरा डिटेल है, तीसरा डिटेल है यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का, और फिर प्रीव्यू कीजिएगा, और उसके बाद लास्ट यहाँ पे अपडेट है पेमेंट का, तो आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों जो कि मैंने आपको अपडेट किया है इस वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आशा करते हैं कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।